अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो तुम अलग हो गए तो भी उतनी ही तकलीफ होगी। अगर दोनों ही रास्तों में तकलीफ है तो बेहतर होगा कि तुम मिलकर तकलीफ रहो। मुझे एक बात बताना, कल जब तुम्हें डोईजे मिली तो तुम उसे मारना चाहते थे ना? मारना। हाँ, तो मारा क्यों नहीं? क्योंकि मुझे मुनियों का ख्याल आया। मुझे पता था जो रिश्ता तुम्हें तकलीफ देता है असल में वही तुम्हें बचा भी रहा है। तुम गुस्से में गलती करने वाले थे लेकिन उसने तुम्हें बचा लिया। ये सब क्या है? हाँ मुनियोंग, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है, मैंने कल फोन पर बताया तो था, अब मैं कभी नहीं लिखूंगी। ओके ठीक है, समझ सकता हूँ, तुम फेरी टेल्स लिख लिख कर बोर हो गई हो। तो तुम ऐसा करो ना, तुम ये सब छोड़कर कुछ और लिखो। हाँ ऐसा कुछ लिखो जो तुम्हारी पर्सनालिटी को सूट करे, जैसे कि कोई क्राइम नॉवेल या थ्रिलर या एक लव स्टोरी या कुछ सेक्सी लिख दो। मैं रिटायर हो रही हूँ, मुझे अब और कुछ नहीं लिखना। मैं रिटायर हो रही हूँ और अब से जो करना चाहूँ वो करूँगी। नहीं नहीं ऐसा मत कहो मुनियों। देखो मैं समझ सकता हूँ, जो कुछ हुआ है उससे तुम्हें काफी सदमा लगा होगा। एक काम करो, एक साल का ब्रेक ले लो। और देखिए मिस्टर ली, मेरे पास अब लिखने के लिए कोई कहानी नहीं बची है, समझ गए आप? मैं इस घर को भी बेचने वाली हूं तो अब से प्लीज मेरे पीछे पड़ना बंद कर दीजिए। अब सियोंग जय के साथ सियोल चले जाइए, अब आप बिल्कुल आजाद हैं।